हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आई गेस बहुत बहुत टाइम हो गया है जब मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था। आई गेस अराउंड 1 मंथ हो गया होगा। तो गाइस, बेसिकली टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि ऑफिस जाता हूँ तो वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम मिलता ही नहीं है। तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि आगे से आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स कम पर गेम प्ले, बहुत अच्छे अच्छे गेम प्ले होंगे उसका वीडियोज़ दे पाऊँ, ताकि कुछ ना कुछ वीडियो तो जाए और आपको इंटरेस्ट बना रहे और इंटरटेन भी हो जाओ। तो गाइज, लेकिन अभी आज एक आज अपडेट आया हुआ है सीज़न का, तो मैंने सोचा आज टाइम है थोड़ा तो वीडियो भी बना देता हूँ एक अपडेट पे। तो गाइज चलो, मैं आपको आज पूरा बताऊँगा कि सीज़न 8 रॉयल पास मतलब वर्थ है कि नहीं, अच्छा है या नहीं, आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं। तो गाइज मैं आप सब ये डाउट्स क्लियर करूँगा आपको अगर कुछ होंगे तो। गाइज वीडियो को एंड तक देखना। और गाइज आपको ग्राफिक्स में भी थोड़े चेंजेस दिखते होंगे क्योंकि मैंने नया फ़ोन लिया हुआ है, पबजी मोबाइल क्लब ओपन में जो यूज़ हुआ था वो वाला Vivo Z1 Pro, इसलिए आपको ग्राफिक्स में भी थोड़े चेंजेस दिखेंगे। तो गाइज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के टॉपिक पे लेके जाता हूँ। तो बेसिकली अपडेट जो आया है ये आई गेस अब तक का सबसे बेस्ट सीज़न अपडेट होगा, क्योंकि रॉयल पास में इसमें बहुत जो रिवॉर्ड्स दिए वो अच्छे और एकदम ऐसे दिखने में भी बहुत ही सूदिंग है। तो हम सीधा रॉयल पास में आते हैं। मैंने रॉयल पास ख़रीद तो लिया है, लेकिन मैं आपको रिवॉर्ड्स जो है उसके बारे में बताता हूँ। तो गाइज मैं अराउंड 7 लेवल पर आ गया हूँ, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो देखोगे तो गाइज ये रहा पहला जो सूट हमें फर्स्ट लेवल पे ही मिल रहा है रॉयल पास में। तो आप देख सकते हो ये जो सूट है एकदम अच्छा दिख रहा है, मतलब कलर्ड में, अगर आपको कलर्ड चीज़ें पसंद है तो ये वाला बहुत अच्छा सूट है। और गाइज जो स्किन है वो तो बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हो क्या अच्छा कलर दिया है उन्होंने स्किन स्कारेल को। तो गाइज आगे जाएंगे तो हमें ये कैप मिलती है 5 लेवल पे। ये कैप अगर मिल जाए तो पूरा कंप्लीट हो जाता है ये सेट। तो आई गेस अगर आपको कलर पसंद है तो ये वाला सूट आपको अच्छा लगना चाहिए। फिर हम आगे जाएंगे तो लेवल 10 पे देख सकते हो ये हमें मिल रहा है। ये बेसिकली हम जो MVP होता है वो करता है, अभी के लिए तो ऐसे एक पोज देता था, लेकिन ये नया आया है। अगर आप रॉयल पास लेते हो तो ये आप कर सकते हो, मतलब MVP बनोगे तो। और नॉर्मल वालों को भी थोड़ी चीज़ें मिली है, तो इसमें ये स्काफ मिल रहा है, मैं बताता हूँ आपको, ये देखो ये वाला। फिर हम आगे जाएंगे तो लेवल 15 पे गाइज ये वाला इमोट, ये मतलब आई गेस 3, 4 या 5 अपडेट से चल रहा है कि ये इमोट आएगा इमोट आएगा, लेकिन ये आ नहीं रहा था। आई गेस लास्ट 3 सीज़न से, अपडेट नहीं बोल सकता मैं, लास्ट 3 सीज़न से, क्योंकि ये सीज़न में ही आते हैं इमोट्स। तो फाइनली ये इमोट आ गया है, बस थोड़ा एंड में उन्होंने और भी डाला है इमोट में, नहीं तो बेसिकली आप देखोगे तो ये इतना नहीं है, इन्होंने थोड़ा ऐड किया हुआ है एंड में थोड़ा सा। आगे जाएंगे तो 20 लेवल पे एक शर्ट है नॉर्मल वालों को, और हमें मिल रहा है ये UAG का स्किन। तो आप देख सकते हो ये पहले भी एक ऐसा UAG का स्किन दिया हुआ है हमें, आई गेस 2 सीज़न के पहले, जो पूरी और ऑरेंज थी और यही वाली थी ओपन जीप। अभी इस बार उन्होंने ओपन जीप में थोड़ा ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन अगर कुछ अच्छा देते तो बेटर होता, क्योंकि रॉयल पास वाले अगर होंगे वो जो हमेशा लेते तो उनको सेम टाइप का स्किन मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ वो स्किन मेरे पास है, क्योंकि मैंने भी रॉयल पास लिया था, तो मैं आपको स्किन दिखा देता हूँ। तो ये देखो गाइज ये वाला वो स्किन है, मतलब थोड़ा इस पर और कुछ डिज़ाइन है, लेकिन स्किन यही वाला है, ये ऑरेंज कलर का। और हमें इस बार RP में थोड़ा अलग मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा अलग है लेकिन है ऑरेंज कलर का ही, तो अगर कुछ उसमें अलग कलर दे पाते तो अच्छा होता। फिर हम आगे जाएंगे तो हमें ये पैराशूट के ट्रेल तो मिलते ही है, और UC है, और वापस ये उन्होंने नया लाया है जो है रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड। तो गाइज बेसिकली इसमें क्या, अगर आप ये यूज़ करोगे ना तो आपका कभी माइनस होता है ना, तो अगर ये कार्ड यू ऑन रहेगा ना एनेबल्ड, तो आपका उस टाइम पे अगर आप जल्दी भी मरे तो भी आपका माइनस नहीं होगा। तो बेसिकली इसका ये एक यूज़ है, मतलब ये काम आ सकता है जो पुशिंग करते हैं या जो फाइटिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको। फिर आगे जाएंगे इसी में 25 पे RP वालों को मिल रहा है हेलमेट का स्किन। तो गाइज लास्ट सीज़न भी उन्होंने एक बहुत ही अच्छा हेलमेट का स्किन दिया था, और इस सीज़न भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा एक स्किन मिल रहा है। तो गाइज मुझे तो ये स्किन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब कुछ ना कुछ अलग टाइप का, एकदम नॉर्मल नहीं है कि कुछ कलर दे दिया, थोड़ा इसमें ऐड किया हुआ है जैसे लास्ट सीज़न भी किया था, तो ये स्किन है। फिर हम आगे जाएंगे तो 30 लेवल पे ये शॉर्ट्स मिल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मुझे ये सूट ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि एनेबल्ड है। तो आप देखोगे तो ये शॉर्ट्स मिल रहे हैं, मतलब ये और भी जगह मिल चुका हुआ रहेगा, अगर मेरे पास है ये वाला तो मुझे कुछ यूज़ नहीं, इसमें डबल हो जाएगा बस। इन 30 पे RP पे ये सूट मिल रहा है, तो आप देखोगे तो मतलब ये फीमेल पे बेटर लग रहा है, लेकिन मेल पे आप देखने जाओगे तो ये बहुत ही अजीब लगेगा, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। मैं पहले सब कुछ डिजेबल कर देता हूँ ताकि अच्छे से हम देख पाए। तो ये मास्क ऑफ कर देते हैं, ये देखो गाइस बैग भी हटा देते हैं।
तो ये वाला जो सूट है ये मेल पे आप देख सकते हो, बहुत ही गंदा लग रहा है, पर फीमेल पे ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको पता हो, थीम इस बार का ओशियन का है, तो इन्होंने बहुत सारी मतलब एकदम पानी के रिलेटेड चीज़ें दी है, ओशियन रिलेटेड। तो ओशियन के लिए ये देखो आप, ये स्क्विड स्क्वाड बैकपैक जो लिखा हुआ है, लेकिन इस सूट का नाम है शेल्ड ऑन द शोर सेट। तो बेसिकली ये वही है जो सूट पूरा ओशन रिलेटेड बनाया हुआ है, और फीमेल पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर हम आगे जाएंगे तो वापस हमें पैराशूट मिलता है, जिसपे ऑक्टोपस का है हेलमेट के अंदर, जो है वो पूरा एक अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है स्किन। तो ये जो है हमें पैराशूट मिल रहा है। फिर 40 पे आप देखोगे तो ये इमोट गाइज, और बेस्ट पार्ट ये है कि जो आरपी नहीं खरीदेंगे उनको भी ये इमोट मिलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल वालों को मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा इमोट लगा मुझे तो, और नॉर्मल वालों को मिलेगा, उससे अच्छा क्या हो सकता है। फिर एयरप्लेन हमें स्किन मिल रहा है, मतलब ये इतना कुछ खास नहीं है, बस ऊपर से थोड़ा क्या हुआ है, नीचे पूरा ग्रे ही है। तो इसको उन लोग और चेंज कर सकते थे, लेकिन ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। और इस पर भी ऑक्टोपस ही है आई गेस। आगे हम जाएंगे तो फ्रेम मिल रहा है, फिर स्किन SLR का। तो गाइस ये सेकंड टाइम है जो SLR का स्किन मिल रहा है, और इन भी आप देखोगे तो नॉर्मल आप स्किन देखोगे तो ऐसे हल्का हल्का कहाँ कहाँ पेंट किया हुआ था है, लेकिन ये वाला स्किन आप देखोगे तो फुल येल्लो और किया हुआ है। तो बेसिकली थोड़ा उन्होंने एफर्ट्स लिया है स्किन को अच्छा बनाने में। तो ये स्किन तो मुझे अच्छा लगा SLR का, मैं SLR यूज़ नहीं करता हूँ, पर फिर भी। फिर नॉर्मल वालों को 50 पे पैराशूट मिल रहा है, तो उन्होंने नॉर्मल वालों के लिए भी थोड़े रिवॉर्ड्स अच्छे अच्छे किए हुए इस बार। फिर हम आगे जाएंगे तो RP वालों को ये हैट मिल रहा है, ये बेसिक इतना कुछ है नहीं। लेकिन उसके बाद ये सूट गाइस, क्या सूट है आप देख सकते हो, मतलब इस बार के रिवॉर्ड्स एकदम ज़्यादा ही बेस्ट है। आप ये भी एक क्रीचर पे ही पूरा बनाया हुआ है, आप सर्च करोगे तो ओशन का एक कोई क्रीचर होता है जो जिसके रिलेटेड ये सूट है। पूरा थीम उन्होंने इस बार यूज़ किया है हमें स्किन ये सब देने में और आउटफिट्स देने में। फिर 60 पे आप देखोगे तो ये S6 का जो पूरा स्किन है, मतलब मेरे पास एक गोल्डन है उन्होंने पहले दिया था, इस बार वो लास्ट टाइम जो वेंचेस्टर का टाइप था वैसा ही उन्होंने S6 पे डाल दिया है, मतलब इस पर कुछ एफर्ट नहीं लिया है। फिर 65 पे इमोट, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट, इनफैक्ट नॉट वन ऑफ द बेस्ट, ये बेस्ट इमोट है अब तक का, जो डॉच करने जाता है फिर एंड में गिर जाता है, लेकिन बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने इस बार। फिर गाइस 70 पे जो है बैकपैक, तो आप देखोगे कि बैकपैक हमें बहुत मिलते हैं, लेकिन बेसिकली ब्लैक कलर के, ये वाला ऑक्टोपस है इस पर भी, लेकिन बहुत ही अच्छे से डिजाइंड है, एकदम छोटा सा लग रहा है, और बैकपैक बहुत ही अच्छा स्किन बनाया हुआ है। तो गाइस आप देखोगे तो रिवॉर्ड्स बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। अगर आपको RP लेना है तो मैं बताऊंगा, मैं सजेशन दूंगा कि लेना चाहिए कि नहीं। फिर हम आगे और रिवॉर्ड पे आते हैं तो 80 पे ये, अगर आपको फाइंडिंग नेमो पता हो तो ये वाला उसी का रिलेटेड है पूरा, वो फिश के उसमें बनाया हुआ है उसका। अगर आप इसका नाम देखोगे तो क्लाउन फिश रखा है, लेकिन फाइंडिंग नेमो जो था उसमें यही वो उसका कलर होता है पूरा। फिर आगे जाके 90 पे वाओ, मतलब अभी के मॉडल ने जैसे ही सबको इसका फ़ैन ही बना दिया इस गन का। तो स्किन मिल रही है उसी गन की DP, और आप देख सकते हो पीछे फिश का एक ऐसा ये भी किया हुआ है DP के। तो बहुत मतलब डिज़ाइन तो अच्छा ही है, स्किन भी अच्छे से उन्होंने दिया हुआ है, और DP का दिया है तो इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है RP लेने का। फिर आगे जाके 95 पे तो ये मास्क है, और फिर 100 पे, मतलब गाइस 100 के रिवॉर्ड्स मैंने अब तक बहुत देखे आउटफिट्स, लेकिन मैं बोलूँगा ये बेस्ट, मतलब टोटल ये अब तक जो भी 100 पे आउटफिट्स आए ये बेस्ट वाला आउटफिट मिला है अब तक, क्योंकि देख सकते हो फुल एकदम ब्रॉन्ज आर्मर नाम है उसका, और दिखने में भी कितना अच्छा है। मैं अगर ये हैट निकाल दूँ तो ये देखो, और इनफैक्ट ये बेस्ट चीज़ है कि ये मेल पे भी एकदम वैसा ही अच्छा दिखेगा, मतलब आप देख सकते हो क्या अच्छा दिख रहा है, और फीमेल पे भी सेम सूट करता है, इनफैक्ट फीमेल पे ज़्यादा बेटर लग रहा है ये वाला। तो गाइज ये तो हो गए रिवॉर्ड्स, आगे जाके मैं और दिखाता हूँ आपको रिडीम। आप रिडीम में देख सकते हो ये सब चीज़ें आ रही है, मतलब सब RP से ही है बेसिकली, सिर्फ कॉइन BP कॉइन से वो पेंट मिलेगा। और बॉक्स में हम जाएंगे तो बॉक्स में उन्होंने पुराने थोड़े रिवॉर्ड्स दिए हुए हैं, ये शॉटगन का स्किन है, फिर ये बेयर आउटफिट है रॉयल बनी वाला, फिर ये सीज़न 1 में जो M16 दिया था आई गेस लेवल 1 या लेवल 5 पे था वो है, और उसी में ये सूट भी मिला था। तो उन्होंने थोड़े पुराने रिवॉर्ड्स भी किए हुए हैं, ये लिखा भी हुआ है उन्होंने, आप देख सकते हो सीज़न 2 सीज़न 3 2 3 जो भी लिखा है, मतलब उन्होंने ट्राई किया है कि पुराने रिवॉर्ड्स जिसने मिस किए हुए हैं उनको चांस मिल जाए ये रिवॉर्ड्स गेन करने का। फिर हम आगे जाएंगे तो मैं आपको और भी दिखाता हूँ, आप ओशियन ट्रेजर में जाओगे तो
सीज़न 2 से जो भी अब तक इमोट्स आए उन्होंने सब डाल दिए हैं, और आपके पास चांस है इसमें से कुछ भी लेने का आरपी से। मतलब आप सब नहीं ले पाओगे क्योंकि सबके लिए आपको नहीं तो यूसी यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन आप आरपी थोड़ा जमा करके एंड में आप इसमें से कोई भी इमोट ले सकते हो। तो मेरे पास तो सीज़न 3 से सब है, बस ये वाला मेरे पास नहीं है, ये सीज़न 2 में था, और ये वाला नहीं है, ये भी सीज़न 2 में था। लेकिन ये तो बीपी कॉइन से, तो मैं ये बेसिकली ले लूँगा, ये सब सीज़न 3 से चालू है, तो मुझे ये दो लेने हैं बस। ये तो इजीली हो जाएगा बीपी कॉइन से, और बचा ये वाला। तो गाइज आप देख सकते हो उन्होंने रिवॉर्ड्स और इस सब पे बहुत ही अच्छे से वर्क किया है और बेटर किया है। तो मैं आपको बोलूँगा, आप अगर आपको आरपी के सजेशन चाहिए तो आई गेस मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपको आरपी लेना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे तो रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, ऊपर से पुराने जो सीज़न थे उनके भी रिवॉर्ड्स ऐड किए, तो चांसेस बहुत है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाए बॉक्स में से, क्रेट्स में से। ऊपर से फिर सीज़न में हम अलग जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे भी एक आउटफिट मिल रहा है, फिर AWM का ये अच्छा सा स्किन है, ये पैराशूट है इस पर, फिर कॉन्करर का फ्रेम ऑल टाइम जैसे रहता है। तो गाइज़ मेरा सजेशन होगा कि अगर आपको आरपी लेना है तो ये सीज़न ले लो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में आइडिया दिया हुआ है कि अगर हम आरपी लेते तो हमें 600 यूसी मिलता ही है, इसमें भी मिलेगा ही, मैंने काउंट किया है 600 मिल ही रहा है। तो अगर आप उसमें यूसी में से कुछ भी यूज़ नहीं करोगे ना, तो आप नेक्स्ट सीज़न जाके वही यूसी से वापस आरपी ले सकते हो। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट टाइप है, मतलब आप इस सीज़न का ले लोगे तो आपको इसमें 600 यूसी मिलेगा, उससे आप नेक्स्ट वाला ले सकते हो, फिर नेक्स्ट वाले में आपको वापस 600 मिलेगा, तो आप वापस आगे का ले सकते हो। तो मैं आपको बताऊँ तो मैंने सीज़न 3 में फ़र्स्ट टाइम आरपी लिया था, तो सीज़न 3 और ये आया है सीज़न 8, तो मैंने अब तक सिर्फ एक बार आरपी परचेज किया है अपना पैसा डाल के। उसके बाद से सीज़न 4, 5, 6, 7, इनफैक्ट 8, तो 5 सीज़न मैंने फ्री में ही ख़रीदा है। तो ये गाइज वन टाइम इन्वेस्टमेंट टाइप है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपको लेना चाहिए, क्योंकि एक बार भर के आप मतलब कितना चला सकते हो आराम से। और पबजी ऐसा भी नहीं कर रहा है कि वो आरपी का कॉस्ट बढ़ा रहा है, वो 600 ही रखता है, तो बहुत ही एक अच्छा वे है आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट यूज़ करने का। तो मैं तो बोलूँगा आप आरपी ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद लो, ये बेस्ट रहेगा। इनफैक्ट इस बार से यूज़ रिवॉर्ड्स भी अच्छा मिल रहा है, तो ये बेस्ट होगा, तो यही मेरा सजेशन है। तो गाइज वीडियो बहुत टाइम बाद आया है, मैं सॉरी उसके लिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। मैं ट्राई करूँगा कि ऐसे ही ब्रेक्स में वीडियो बनाते रहो, और थोड़ा जल्दी टाइम इंटरवल में बनाओ। मैं ट्राई करूँगा आपके लिए गेम प्लेस के वीडियो लाऊँ जैसे मैंने आपको बोला, क्योंकि मैं गेम खेलता हूँ पर ऐसे वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा कि मिक्स करके आपके लिए वीडियोस दे पाऊँ। तो बस गाइज आज के लिए तो मेरा यही था, तो यही था मेरा वीडियो, आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ गया होगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो नहीं डाल रहा हूँ तो चैनल के सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे। तो मैं बोलूँगा अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मेरे को भी हेल्प हो जाएगा। और गाइज बस सब्सक्राइब और लाइक कर दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं मिलता हूँ आपके वो अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।